सुना है बलवाई मुरीदपुर से आए, गांव के किसी भी आदमी ने पहल नहीं की, लेकिन बाहर वालों के आने के बाद अचानक हालात बदल गए, दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ है। मैंने तेजा सिंह जी को सुलह की बातचीत करने के लिए राजी कर लिया है, गुरुद्वारे से छोटा ग्रंथी उनके पास भेजा जा रहा है। तेजा सिंह जी चाहते हैं कि हम लोग भी उनके साथ जाएं। अभी जाना होगा, चलना चाहिए। जनमनी सी लग रही है, लगता है जैसे दिल टूटेगी, अंदर सब खाली खाली लग रहा है, लगता है जैसे मेरी कोख में रेत भर गई है। गुरु महाराज सब ठीक करेंगे, बुरा ख्वाब देखे। पानी चाहिए? कौन है? मैं हूं छोटा ग्रंथी। क्या हुआ? वो लोग 2 लाख रुपए मांग रहे। सोहन सिंह और मीरदाद को उन्होंने अपने पास बिठा रखा है। वो लोग हमारा फैसला जल्दी जानना चाहते हैं। 20-30 हजार की रकम उन्हें मंजूर नहीं है। उन्हें पता चल गया होगा कि हमारी हालत कमजोर पड़ गई है। उनके बाप को भी पता नहीं चल सकता, हम कोई उनसे कम नहीं है। यही कोई 19-20 का फर्क होगा सिंह जी। ये तो बदकिस्मती हमारी, असला चुक गया। वैसे गहने कितने इकट्ठे हुए? ये तो कोई 20-30 हजार से ज्यादा के नहीं होंगे। वो 2 लाख मांगते हैं, इतना हम कहां से लाएंगे? देना चाहे तो 2 लाख आप अकेले दे सकते हैं। तेजा सिंह जी, आपने बड़ी माया इकट्ठी की है। कह दीजिए 50 हजार देंगे। 50 हजार कम होगा, वो नहीं मानेंगे। आप कहकर तो देखिए, नीचे से शुरू करेंगे तब कहीं 1 लाख पर फैसला होगा। जाओ ग्रंथी जी, उनके साथ 1 लाख तक का फैसला कर लो, लेकिन शर्त यह है कि पहले बाहर से आए हुए बलवाई नदी पार चले जाएं, फिर वो अपने 3 नुमाइंदे भेजें। हमारे आदमी थैलियां लिए खड़े होंगे। सतवचन महाराज, पर अगर उन्होंने कहा कि वो थैलियां पहले लेंगे और नदी पार बाद में करेंगे तो मैं क्या कहूं? क्यों, क्या हमारी जबान का एतबार नहीं? क्या हम लाहौरिया हैं कि आज कुछ कहें और कल कुछ और?
हम सैयदपुर के रहने वाले, हमारी जबान पत्थर पर लकीर होती है। मेरी एक बेनती है, वीर जी की हिफाजत के लिए किसी न किसी को साथ भेज दें, मालूम नहीं वो लोग क्या कर दें। सरदार तेजा सिंह जी ने अंदर बुलाया है, चलो जल्दी। सरदार साहब ने बुलाया, खबर नहीं क्या बात है, देखता हूं। छोटे ग्रंथी के साथ जाना है, सरदार साहब ने बोला है। इस वेले कहाँ? यही गांव में, अभी आ जाते हैं, तू आराम कर, संभल के जाना। हाँ घबराना, मैं आता हूँ। फिर जी संभल के, अगर कोई खतरा महसूस हो तो फौरन वापस आ जाना। सुनो, ग्रंथी जी पर कोई भी हमला करे तो तुम संभाल लेना। लो ये रख लो। नहीं, हथियार लेकर मत जाओ, वो लोग शक करेंगे। बच्चा वापस दे दो। गुरुभक्त सिंह, वाहेगुरु का नाम लेकर जाओ। भीड़ छोटे ग्रंथी की तरफ बढ़ रही है, वो देखो भीड़ ने उसे घेर लिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो छोटे ग्रंथी को मार रहे हैं। लौटा गुरबख्श सिंह, गुरबख्श सिंह वापस आ जा, मेरे भाई को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला। उसका साथी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है, वो देखो वो छोटे ग्रंथी को मार रहे हैं। उसका साथी आगे बढ़ रहा है, भीड़ ने उसे भी घेर लिया। दोनों को गिरा लिया, भीड़ ने दोनों को गिरा लिया, भीड़ दोनों को मार रही है, वो देखो भीड़ दोनों को मार रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि 2,00,000 रुपए दे देते, आप अकेले ही दे सकते थे 2,00,000 रुपए, लेकिन आप माने नहीं। अब देखिए कुछ करो तेजा सिंह जी, कुछ करो। उन्होंने डॉग को आग लगा दी, वो सामान लूट रहे हैं, छोटे ग्रंथी को मार रहे हैं। देखो वो छोटे ग्रंथी को मार रहे हैं, वो देखो वो सामान लूट रहे हैं, आग लगा रहे हैं। सही प्रवास तैयार हो जाओ, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ, गुरु के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ, ये मौका है गुरु के लिए कुर्बानी देने का, ये मौका है अपना बलिदान देने का। सर,
सूरा सोही सूरा सोही पुर जा कट मरे पुर जा कट मरे पुर जा कट मरे पुर जा कट मरे कब हुन छाड़े खेत सूरा सोही कब हुन छाड़े खेत सूरा सोही सूरा सोही गगन दमामा बाजियो गगन दमामा बाजियो गगन दमामा बाजियो गगन दमामा बाजियो पढ़ियो निशाने धाओ सूरा सोही पढ़ियो निशाने धाओ सूरा सोही सूरा सोही झोलड़े दिल के हेत सूरा सोही झोलड़े दिल के हेत सूरा सोही खेत जुमांडियो खेत जुमाड़ो सूरमा खेत जुमाड़ो सूरमा खेत जुमाड़ो सूरमा अब जो झन को दाओ सूरा सोही अब जो झन को दाओ सूरा सोही झोलड़े दिल के हेत सूरा सोही झोलड़े दिल के हेत सूरा सोही सूरा सो पहचानिए सूरा सो पहचान गुरु की सिंघनियों उठो तुर्क आ गए वक्त आ गया हमारे लिए हुक्मनामा आ गया है आओ शेरनियों मेरे साथ आओ आओ
सतनाम श्री वाहेगुरु। शरण तुहारी
सरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई सतगुर पूरा पेटिया जिन पनत बनाई राम राम औखत दिया एक आने बुलाई राख लिए तिन राख नहार सब ब्याद मिटाई गौ नानक कृपा भई रब भय सहाय गौ नानक कृपा भई रब भय सहाय चले गए वो तो महाराज नू प्यारी हो आंकड़े चाहिए सिर्फ आंकड़े आप समझते क्यों नहीं है मैं हर एक की राम कहानी नहीं सुन सकता मुझे आप आंकड़े दीजिए कितने मरे कितने घायल हुए कितना माली नुकसान हुआ मुझे और कुछ नहीं सुनना है वही तो बता रहा हूँ जी मैं उसको फिर बोला इमदाद खान हम साथ खेल के बड़े हुए हैं तू मैंने भूल गया सुबह का वक्त है बाबू जी वाहेगुरु झूठ ना बुलवाए इमदाद खान ने पहले मुझ पर वार नहीं किया ठीक है आपने जो बोला वो मैं नोट कर लूंगा आप सामने के तंबू में जाइए वहां पे डॉक्टर हैं वो आपको पट्टी बांध देंगे हैं चलिए नाम जी हरनाम सिंह वल्दियत सरदार गुरदयाल सिंह मौजा ठोकेलाई बख्श तहसील तहसील नूरपुर नूरपुर कितने घर थे हिंदू सिखों के जी सिर्फ हमारा ही एक घर था आप बच के कैसे आ गए जी वो करीम खान था उसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जिस दिन शाम को उधर से जानी नुकसान जी नहीं मैं और मेरी घरवाली बच कर निकल आए पर हमारा बेटा इकबाल सिंह वो नूरपुर में था जी उसका कुछ अता पता नहीं चला और हमारी बेटी जसबीर कौर वो सीधा कहिए कोई जानी नुकसान जी बेटी सैदपुर में कुएं में डूब मरी ये दूसरे गाँव में हुआ ना जी देखिये ये सैदपुर के आंकड़े आप अपने गांव की बताइए माली नुकसान जी एक दुकान थी उसे जला दिया गया एक दुकान सारा सामान लूट कर ले गए हमारा एक ट्रंक था उसे भी उठा ले गए जी उसमें दो सोने के हमारे कड़े थे पर मैंने ट्रंक की चाबी खुद एहसान अली को दे दी उसकी घर वाली राजो बड़ी नेक बख्त दुकान की लागत कितनी होगी क्यों मंतो अपनी दुकान कितनी लागत की रही होगी अब मैं क्या जानूं? आप ही सोच के कह दो कुल लागत बताइएगा सामान समेत जी जल्दी कीजिए जरा यही 7-8 हजार की होगी जी पीछे जमीन का टुकड़ा भी एक था 10 हजार लिख दूं जी लिख दीजिए
Yes. When did you get back? About an hour ago. Is everything quiet now? Virtually, yes. What's this? I'm not exactly sure, but it's very old. Some sort of Vedic hymn in Sanskrit. An original manuscript, all handwritten. One of the clerks at the office had it. Asked me to keep it for him. He was afraid it might be burned. Richard. Hmm? I'm going to go and help at the camps. What? I said I'm going to the relief camps to be of some use. I want to get out of this wretched bungalow and do something to help. But, darling, it's still very unsafe. You couldn't possibly... There's a great danger now of epidemics. A lot of people have been badly hurt. It's very disturbing. I don't care, Richard. I want to. I'm not afraid of blood. I saw the war in London, Richard, while you were here in India settling land disputes. I helped dig out corpses from the rubble of Oxford Street. Darling... I'll be all right. Really. Virji! Virji! Virji, कोई बंदोबस्त भैया जी शायदपुर जाने पर जाएगी ना कब जाएगी जिस दिन बस जाएगी मैं आपको खबर कर दूंगा वीर जी हमारा काम जल्दी हो जाएगा ना देखो आप हमारा काम कर दो मैं आपका मुंह मीठा करवा दूंगा वीर जी सरदार जी आप कैसी बातें कर रहे हैं कुएं में कुछ नहीं तो 37 औरतें डूब मरी हैं उनमें से आप कैसे पहचानोगे कि आपकी घरवाली कौन सी है ये तो मुझ पे छोड़ दो वीर जी मैं कड़े देखकर ही पहचान लूंगा 5-5 तोले का कड़ा है और गले में सोने की जंजीरी है वीर जी देखिए अब घरवाली डूब मरी जो औरों के साथ हुई वो मेरे साथ भी हुई पर ये कड़े और चैनी मैं कैसे छोड़ दूं वीर जी अगर आप मुझे ये दिलवा दो तो उसमें से आपको भी कुछ दे दूंगा ऐसी बात नहीं है वीर जी ऐसी बात नहीं है वीर जी देखो उसने ये भी नहीं सोचा कि भाई डूबने से पहले कड़े तो उतार के रख दूं वीर जी आप हमारा ये काम करवा दो और किसी को पता नहीं चलेगा मैं और आप बस और किसी को साथ लेके नहीं चलेंगे वीर जी लाशें फूल कर ऊपर आ गई है फूली हुई लाश की कलाई सब कड़ा उतार सकते हो जरा सोचो तो सरकार क्या आपको उतारने देगी क्यों जी बीवी मेरी है माल मेरा है मैंने कड़े अपने पैसों से बनवाए हैं किसी की चोरी तो नहीं की है वीर जी देखो ऐसा करते हैं कि छेनी और हथौड़ी लेकर चलेंगे किसी को पता नहीं चलेगा मिनटों में काम हो जाएगा काम करने की नीयत हो तो सब कुछ हो सकता है वीर जी सरकार शनाख्त मांगेगी गवाहियां मांगेगी भूली हुई लाश को पहचानना कोई आसान काम है क्या वीर जी यही तो आप मेरी मदद करेंगे मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ मैं केवल आंकड़े इकट्ठा करता हूँ आंकड़े देखिए माली नुकसान की फहरिस्त में मैंने आपके बिजली के कड़े और जंजीर दर्ज कर लिए हैं माल बरामद करवाने का काम मेरा नहीं है वीर जी देखो नाराज नहीं हुई था वीर जी नाराज ना होगो वीर जी नाराज ना होगो देखो दुनिया का कारोबार तो चलता ही रहता है ना क्यों ठीक है कबूल है ना वीर जी सरदार जी आप क्यों बेकार वक्त जाया कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ पंडित जी कल सुबह एक बस नूरपुर जाएगी साथ में हथियारबंद पुलिस होगी बेटी का पता लगाना हो तो कल सुबह चले जाना नहीं मिलेगी जी अब प्रकाश को कहाँ मिलेगी क्यों आप तो कहते थे कि गांव में उसे किसी ने घर में बिठा लिया है भगवान जाने न जाने क्या हुआ उसके साथ सोच लो पता नहीं दोबारा बस कब जाएगी क्यों पंडित आइन क्या कहती हो अब वो जहाँ भी रहे सुखी रहे मेरी बच्ची ऐसा करो आप मुझे उसका अता पता बता दो मैं पुलिस वालों से कह के दरियाफ्त करवा लूंगा वो यहाँ भी आकर क्या करेगी बुरी वस्तु तो पहले ही उसके मुंह में डाल दी होगी उन्होंने हमसे अपनी जान नहीं संभाली जाती बाबूजी दो पैसे जेब में नहीं है उसे क्या खिलाएंगे हम क्या खाएंगे Welcome, sir. Welcome. Please come, sir. I'm sorry to intrude like this, Dr. Kapoor, but you know the situation in the town, and the matter is rather urgent. I hope you don't mind. Not at all, sir. Not at all. It's my pleasure.
Come, please be seated, sir. Excuse me, I will be with you in just 2 minutes. Salim sahab, aap zara inko bithao, main abhi aata hu. Excuse me, sir. Kaun hai? Kya baat hai? Batao na. Sir, please be seated. It's all right. Hey, bhai, chalo. Kya ho raha? Chalo yahan se. Chalo. Bhago, bhago. May I present my wife, sir? Mrs. Kapoor. Namaste. Namaste. Will you have tea or coffee, sir? Ji, kuch nahi. Shukriya. Relief camp mein pani ka intezam abhi tak nahi hua. I have arranged for everything at the camp, sir. The work will begin today. Laashon ka intezam jaldi se jaldi ho jana chahiye. Mera khayal hai ki sabhi laashe Hindu, Muslim, Sikh ek jagah jama karke jala di jaye. Right, sir, but quite often we can't differentiate between a Muslim dead body and a Hindu dead body. And you know how communities feel. Burning all together may not be advisable. It might create more tension, sir. I know, Dr. Kapoor, but you must appreciate the fact that we cannot arrange individual funerals. There are too many. I think there's no alternative. So you, as health officer, must arrange for the disposal of the bodies right away. Yes, sir. Any difficulties, let me know. Right, sir. One more thing, Dr. Kapoor. I want you to visit that village where the women threw themselves into the well. It must be disinfected right away. I think there's a danger of epidemics. The village, sir? Sayyadpur? Don't worry. You'll be safe. Main aapke saath police bhej dunga. Please, have some tea, sir. No, no thank you, Mrs. Kapoor. Aaj nahi. Well, let's get going, shall we? Bapu ne kaha hai ki hinsa na karo. लेकिन इन फसादों के माहौल में अगर कोई मुझ पर हमला करे तो उससे मैं क्या कहूं कि मार ले भाई या गर्दन झुका दूं कि ले भाई काट ले गर्दन क्या करूं भाई गांधी जी ने कहा है कि खुद तशद्दुद मत करो गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि अगर कोई तुम पर हमला करे तो उसका जवाब ही ना दो अदावर्ज है हकीम साहब आओ कश्मीरी लाल फिर किसी गंभीर मसले पर बहस करने लगे जी नहीं ऐसी बात नहीं है हकीम साहब सवाल यह है कि इन फसादों के माहौल में अहिंसा के सिद्धांत पर अमल कैसे किया जाए भाई इस पेचीदा सवाल का जवाब तो आपके बख्शी जी देंगे क्यों बख्शी जी देखो कश्मीरी लाल अहिंसा का मतलब बुजदिली नहीं है जर्नैल को इस किस्म की कोई दुविधा नहीं थी उसे अपने बचाव के लिए कभी कोई परेशानी नहीं हुई वो सनकी था अनपढ़ था मगर उसे कभी इस बात ने परेशान नहीं किया कि अगर उस पर कोई हमला करे तो वो क्या करे ये सब जज्बाती बातें हैं बख्शी जी सुनो तुम खुद हिंसा मत करो हिंसा करने वाले को समझाओ अगर समझाने का मौका है तो और अगर वो नहीं मानता तो डट कर मुकाबला करो अगर खरीदने का इरादा है तो यही वक्त है शेख जी बाद में कीमतें बढ़ जाएंगी ख्याल हो तो बात करूं कौन जाने अभी कीमतें और गिरें शेख जी इससे ज्यादा कीमतें और क्या गिरेंगी इसी इलाके में खुद मैंने 1500 रुपए आता जमीन बेची है और अब वही जमीन 700 रुपए आता मिल रही है शेख जी अमन अमान होने पर कीमतें चढ़ेंगी या कम होंगी सोचूंगा सोचिए शेख जी सोचिए पर सोचते ही ना रह जाए पहले भी आपने अच्छे अच्छे सौदे हाथ से गंवाए आप सोचते हैं इलाका मुसलमानी हो मकान पर लबे सड़क हो ऐसा मकान मेरे पास है अच्छी बात है मैं जल्द खबर करूंगा आ गया कराड़ा एक हफ्ता हो गया नूर साहब आप तो ऐसे गायब हो गए जैसे बस 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 फिर शुरू हो गया जब देखो कराड़ को शिकायत ही शिकायत वो मैंने तेरी गांठें उठवा ली थी वहां गोडाउन से अच्छा? पहले तो सोचा जलने दो यार लाला का माल है फिर सोचा नहीं आखिर तो दोस्त है अपना पहले तो बेटे को कहीं से मजदूर ही नहीं मिल रहे मैंने कहा बच्चे कुछ भी कर लाला की गांठें उठवा ले नहीं तो ये करार मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला शुक्रिया नूर लो देखो
हम सबको यहीं रहना है। और फिर ये जुनून तो कभी कभी सर पे चढ़ जाता है महाराज। और सच बात तो ये है कि रहना हमको साथ ही है, और हमसाया हमसाया तो अपना दाया बाजू होता है। ना 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 ना, इस तेल की मालिश नहीं, इसकी तासीर ठंडी होती है। मेरे पास एक तेल है, अशरफ लाहौर से लाया था जी, उससे नसें ढीली पड़ेंगी, जल्दी आराम आएगा, यकीनी बात है। मैं भेज दूंगा जी। शुक्रिया। कैसे मोच आ गई बेटे को? सुना है आजकल किसी दलबन में भी हिस्सा लेता है। वो मेरी बात सुनो तो उसे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर भेज दो, यहाँ पकड़ धकड़ का डर है। 15 साल का तो लड़का है वो हकीम साहब, वो कौन से दलबल में हिस्सा लेगा। साहिबान, डिप्टी कमिश्नर साहब बुला रहे हैं, आप सब लोग तशरीफ लाइए। चलिए। मैं सोचता हूं इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिजा को बेहतर बनाए। यहां शहर के सभी मोतबर लोग मौजूद हैं, उनकी आवाज का बड़ा असर होगा। मेरा ख्याल है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए, और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में हर गले में अमन की अपील करे। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हों। मेरा सुझाव है कि एक बस पर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए, एक यूनियन जैक का झंडा भी लगवा दीजिएगा। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और दूसरी सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठकर जगह जगह अमन की अपील करें, इसका बड़ा असर होगा। साहिबान, बस का इंतजाम मैं करूंगा। बस सरकार की तरफ से आ रही है। तो फिर पेट्रोल का खर्चा मैं दूंगा। डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम तय करने से पहले शायद ये बेहतर होगा कि हम बाकायदा अमन कमेटी कायम कर लें, उसके अहदेदारों को चुन लें और बाज़ाब्ता तौर से काम शुरू करें। जनाब, हयात बख्श सही फरमा रहे हैं। जनाब प्लीज, मेरी तजवीज है कि इस कमेटी पर 3 वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किए जाए। मैं जनाब हयात बख्श। खैरिये, पहले इस बात का फैसला कर लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट 3 हो या कम या ज्यादा। मेरी तजवीज है कि वाइस प्रेसिडेंट 5 होने चाहिए। जितने ज्यादा वाइस प्रेसिडेंट होंगे, अमन कमेटी उतनी ही ज्यादा नुमाइंदा जमात बनेगी। मैं दरखास्त करूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट आप 3 ही रखें, एक हिंदू, एक मुसलमान भाई और एक सिख। कार्यकारिणी को आप बेशक बढ़ा लें और उसमें सभी को खुलकर नुमाइंदगी दें। भाई जोत सिंह जी, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल न लाएं, यह अमन कमेटी है। मेरी दरखास्त है कि इस अमन कमेटी में सभी सियासी पार्टियों के रुकून शामिल किए जाएं। इसीलिए मेरी इल्तिजा है कि जनाब हयात बख्श मुस्लिम लीग की तरफ से, बख्शी जी कांग्रेस की तरफ से और जोत सिंह जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएं। इकबाल भाई, मुझे ये सुनकर अजहद रंज है कि आपने 3 सियासी पार्टियों के नाम तो गिनवा दिए लेकिन हिंदू सभा को बिल्कुल भूल गए। क्या हिंदू सभा सियासी पार्टी नहीं है? लाला जी, मेरे ख्याल से हिंदू सभा सियासी पार्टी तो नहीं है। अगर हिंदू सभा सियासी पार्टी नहीं है तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी सियासी पार्टी नहीं है। लाला जी, मैं आपसे इत्तफाक नहीं रखता, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही सिखों की नुमाइंदगी करती है। साहिबान, इस तरह से हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। फिरका वाराना अनासर के खिलाफ हमें लड़ना है। यह जरूरी नहीं है कि किसको नुमाइंदगी मिले, जरूरी यह है अमन कमेटी में सभी फिरकों के लोग मुश्तरका जमात बनकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक ही प्लेटफॉर्म से अमन की अपील करें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेरी तजवीज है कि जनाब हयात बख्श, बख्शी जी और भाई जोत सिंह को अमन कमेटी का
वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। जेंटलमैन, योर बस। साहिबान, अमन की बस आ गई है। हम अपने पहले दौरे पर यहीं से रवाना होंगे। मेरी गुजारिश है कि इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साहब के अलावा जितने भी लोग आ सके सभी आए। अमन कमेटी जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद, अमन कमेटी जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। आज आपके पास हाजिर हुए हैं। आप सबके साथ हमारी इतनी हमदर्दी है। हम आप लोगों को उम्मीद देना चाहते हैं कि अमन कमेटी हर मुमकिन मदद आप तक पहुंचाएगी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सदियों से इस देश की धरती पर भाई भाई की तरह रहते आ रहे हैं। जिन शरारती लोगों ने फूट डालने की कोशिश की है उनकी कोशिश नाकाम होगी। हम आप सब लोगों से पुरजोर अपील करते हैं कि आप शरारती What a pleasant surprise, Mrs. Hamilton. What a pleasant surprise. आप जानते हैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब की बेगम है, यहां मदद करने आई है। मिस्टर बख्शी ऑफ कांग्रेस पार्टी। We are touched by your gesture. Thank you. You are setting a very fine example, Mrs. Hamilton. Thank you. चले। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो हो गया सो हो गया। सरकार ने हमें यकीन दिलाया है कि वो आपकी पूरी पूरी मदद करेगी। हम भी हर तरह से आपकी खिदमत करेंगे। आप चिंता नहीं कीजिए, आपका दुख हमारा दुख है। जो सिर पर आई है उसे तो झेलना है। किसी किस्म की तकलीफ हो तो दफ्तर जाके बता दीजिएगा, फौरन उस पर ध्यान दिया जाएगा। हम आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि जल्दी से जल्दी कैंप के सब इंतजाम ठीक करवा दिए जाएंगे। आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। डॉक्टरी जांच, दवाइयां, रोटी कपड़ा, ये सब आप लोगों को मुहैया करवाया जाएगा। हमें आप लोगों से दिली हमदर्दी है। कुछ जुनूनी लोगों की वजह से बेगुनाह लोगों को परेशान होना पड़ता है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप लोगों ने बड़ी हिम्मत से काम लिया है। इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। अब आप लोग इत्मीनान रखिए, अमन कमेटी आपका पूरी तरह से ख्याल रखेगी। नाम ओम प्रकाश चोपड़ा। आज क्या जोड़ निकला? आज तहसील नूरपुर के कुछ आंकड़े मिले हैं। मरने वालों की तादाद में कोई खास फर्क नहीं है, जितने हिंदू से तकरीबन उतने ही मुसलमान। रजिस्टर में एक खाना और जोड़ दो, गरीब कितने मरे और खाते पीते लोग कितने मरे। इसमें क्या तुक है, हर एक बात में अमीर गरीब को घसीट लाना। अमीर गरीब भी आंकड़ा जोड़ने का एक अहम पहलू है। इससे तुम्हें कई और बातों का भी पता चलेगा। कौन सी? यही कि ऐसे दंगों में हमेशा सबसे ज्यादा गरीब लोग ही मारे जाते हैं। खाना जोड़ दो।
माफ कीजिए, हमारे साथ वो औरत है जी, पेट से है, उसका घर वाला है नथू। गुरुद्वारे के छोटे ग्रंथी के साथ वो बलवाइयों से बातचीत करने गया था पर लौट कर नहीं आया। अब उसकी घर वाली रो रो कर बेहाल हो रही है, उसे अगर ढूंढने का कोई बंदोबस्त हो जाता तो। सैकड़ों लोग हैं, ऐसे पता लगाना मुश्किल है। आप एक काम करिए, पीछे की तरफ अस्पताल वाला तंबू है, वहां दरियाफ्त कर लीजिए, कहीं पड़ा मिला हो तो वहीं होगा। Thank you.
I have always wanted to make a film on partition because my family came to India after partition. Our family was in Karachi. So I was looking for a subject and I had read some books also. But I never came across something that really excited me. In 1980, I was in Delhi working on Attenborough's Gandhi. And I came across this book quite by chance in Shriram Center. I liked the title Tamas very much. And on a hunch, I just bought it. And once I started reading it, I just couldn't put it down. I was hooked by it from the very first paragraph. Congress Hinduon ki jamaat hai. Iske saath Musalmanon ka koi vaasta nahi. Congress sabki jamaat hai, Hayat sahab. Hinduon ki, Sikhon ki, Musalmanon ki. Hayat sahab, pehle aap bhi to humare saath hi the. Ye sab Hinduon ki chalaki hai, hum sab jante hain. Aap jo bhi kahein. Congress Hinduon ki jamaat hai aur Muslim League Musalmanon ki. Congress Musalmanon ki rehnumai nahi kar sakti. Kyun nahi kar sakti? The underlying attitude of the book was that all the communities, whether it's Muslim or Hindu, have certain very extremist elements in them. These extremist elements are normally in a minority, but they try to dominate the entire community with such force that they give you the feeling that they represent the entire community. And their agenda is never religion. They use the religion to create that, frenzy. But their objective is not religious at all. It is something other than religious. It could be political, like in this case. And whenever the communities get swayed by the force of these extremists, a lot of tragedy happens, and the sufferers are usually the poor and common man. My casting is usually very intuitive. I look at the character, and immediately some face or some actor comes into mind because I was fairly, I knew the actors in theatre and outside. And Om Puri was an absolutely natural and first choice, there was no doubt about that. So was Deepa. Then we had Amrish Puri, who has always been in my every film. Everybody I cast because I just felt right when I read the characters, their faces came to me. But I cast them also, keeping in mind that this film was set in North India. And all the characters should have a more or less a similar kind of accent, the way they handle the language and everything. That was one thing that I was, fairly conscious about. There are a couple of sequences which I've taken from the book that while I was reading it, I was electrified. And that's the, what you call the sur of a scene that you get in your mind and you want to reproduce it. If you follow that soul, if you follow that feeling, the response to the scene when you read it and you want to recreate it on the screen, the same kind of intensity, the same kind of dramatic charge that you get happened. One was the sequence in the Gurdwara when all the women gather and they sing jo chade jo lade din ke hai sura sohi. So there's this lady who leads all the women and children. They go and jump in the well and commit suicide. So before that, she rouses them. And this is based on a real life incident. That's what Bhishamji told me. So we ran the song
And I asked Uttara Bhavkar, who plays the character, to sing raw. There's no accompaniment to this. There's no musical accompaniment to this. Only that, you know. And she sang it. And she sang it not as a singer, but as a character. So you got a lot of emotion into this. You could see the emotion building up, and when they leave Gurdwara and travel to the well, that is one of the sequences. Even when I see it myself now, my hairs are on end. Satnam Sri Vaheguru. The other sequence was the sequence where this girl, Nathu's wife, Karmo, she discovers the dead body of her husband. As we were preparing the shot, we saw the huge clouds gathering in the sky and the wind started building up. So I said, let's do one shot very quickly. In any case, I wanted one safety take. And as I started the shot, somebody out there shouted, "Sir, the wind is building up, it will blow up the tents and everything." I said, "Doesn't matter, let's shoot." And we shot that scene. And as I pulled out, even in the shot you can see a huge black cloud entering from the left side and making it very dramatic. And the moment we finished that shot, it started raining. We got the shot, we ran inside, and in no time, in about 20-25 minutes, it rained so heavily that the half the that ditch that we had created, that it got filled with water. Making Tamas was like an act of faith for me. So at that time, I worked like a horse with blinkers. I couldn't see anything. If the period has to be created, it had to be created. I took my art director, Nitish, and we went to Punjab. I realized that we couldn't shoot in Punjab. So we traveled to a couple of towns, and we took pictures, and we also consulted Dr. B.N. Goswami and my friend Neelam Mansingh, who helped me immensely with this, the Punjabi thing. And I came across a book which Mr. Goswami gave it to me, which had the murals of Gurdwaras inside, and we recreated the murals in Bombay. In fact, the entire film was shot in Bombay. We never went out of Bombay. All the sets were created here. The locations were decorated here. The outdoors were done here. In 1980, there was an international film festival in Delhi, and my film, Akrosh, was there. Mrs. Gandhi was the Prime Minister at that time. So when I got my chance, so I asked her Madam, if there is a serious work on partition, would the government support it? Would the NFDC support it? And she didn't take the time at all, and she said, when do you think you want to do that? So I said, whenever the government can support me, whenever the government says you can go ahead.
She said it will all depend upon the political situation at that time, which means the government will decide to support or not support depending upon the political situation at that time. And suddenly it struck me that a serious work on partition can have a fairly large repercussions. Some right-wing political parties were very upset with Tamas because they thought that Tamas was trying to portray or depict a picture of the events which suggests that Hindus started it all, which actually is not true. It was, according to me, it was a very hurried reading of the film. Anyway, the court case was launched against it to stop its telecast, and the Bombay High Court passed a landmark judgment by Justice Lenton and Justice Sujata Manohar, and they allowed the telecast to continue. The opposition, they went to Supreme Court, and the case in the Supreme Court was argued for us by the eminent lawyer Suli Sorabji, who in fact had very graciously offered to fight the case without any fees. That was very kind of him. I was threatened, I was under police protection for about 8 weeks, in fact a little more. And so it became a very big issue. Sardar sahab, main aapki taqreer ke beech mein bolne ke liye maafi chahunga. Lekin main puri Sikh sangat se arj karunga कि वो ये बात जान ले कि हमें मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है और मुसलमानों को हमारे खिलाफ हम महज अफवाहें सुन सुनकर तैश में आ रहे हैं. Tamas is a, for me, it's a, you know, work of faith, and from that point of view it is very very near me. It was totally exhausting to make it, but it was very, very satisfying, and I was very happy making it. If anybody were to ask me, then I would say Tamas is definitely the work that is closest to my heart.